गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट 18। यस्टरडे वी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था और आपको बोला था दैट वही आपका होमवर्क था कि डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 18 एंड रीड चैप्टर 18 केयरफुली। तो आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, तो आज मैं जो आपको वर्क करवाऊंगी, यू हैव नो प्रॉब्लम टू डू दिस वर्क। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट 18 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। ये जो क्यूबॉइड्स बने हैं, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यस्टरडे मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सपोज ये हमारा क्यूबॉइड्स हैं, ये सारे, इनका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारी, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ है 4 यूनिट। फिर इसकी हमारी बेटा ये लेंथ हो गई, उसके बाद हमारी ब्रेथ है 2 यूनिट्स और हाइट है 1 यूनिट। तो हमारा क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 4 लेंथ, 1 ब्रेथ एंड 2 हाइट। तो 4 बन जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आया, 8 क्यूबिक यूनिट या 8 यूनिट क्यूब्स। यूनिट क्यूब्स में हमें आंसर लिखना है 8 यूनिट क्यूब्स। ध्यान रखिए, देखिए 4 ही लेंथ है, फिर ये हमारी हाइट हो गई 2 और ये 1 जो है हमारी, ये सॉरी 2 हमारी ब्रेथ हो गई और ये 1 यूनिट क्यूब जो है वो हमारी हाइट हो गई। तो 4 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट क्यूब्स। सो राइट डाउन द आंसर। बहुत ध्यान से ये फिगर्स बनाएंगे, ये जो क्यूबॉइड्स हैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, आप पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे कोई भी फिगर। यू कैन नॉट ड्रॉ एनी फिगर विद पेन। डू ऑल राइट, ड्रॉ ऑल फिगर्स विद पेंसिल। नाउ सेकेंड बी है हमारा क्यूबॉइड। देखिए अब इसको हम काउंट करेंगे, इसमें देखिए लेंथ कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 6 हमारी लेंथ है और 1 यूनिट हमारा ये 1 जो है वो ब्रेथ है और 1 ही हमारी हाइट है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा, 6 यूनिट क्यूब्स, यानी ये 6 यूनिट क्यूब्स है। सी यू बी ई एस, 6 यूनिट क्यूब्स, राइट डाउन। अब नेक्स्ट है, अब ये देखिए बेटे, इसमें देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये कितनी हमारी लेंथ कितनी है इसमें, 1 2 3 4 ये हमारी लेंथ हो गई 4 और उसके बाद में 4 हमारी लेंथ है और ये 2 हमारी ब्रेथ है और ये 4 हमारी हाइट है। ये देखिए ये हाइट जो है 1 2 3 4 और ये हमारी ब्रेथ है 2 और 4 हमारी लेंथ है। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 4 × 4 × 2, तो 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 यूनिट क्यूब्स। इसी के सामने या इसके नीचे, आप फिगर के नीचे जो है आप आंसर लिख लेंगे। अब लास्ट वाले पे आइए, लास्ट वाला जो क्यूबॉइड है उसमें क्या है हमारे, लास्ट वाले क्यूबॉइड में 6 हमारी लेंथ है। देखिए बेटे 1 2 3 4 5 6 6 हमारी लेंथ आ गई, 3 हमारी ब्रेथ है और 3 ही हमारी हाइट है। तो हमारा क्या आएगा इसमें, हमारा वॉल्यूम 6 × 3 × 3, तो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 यूनिट क्यूब्स। इसको हम काउंट करके भी कर सकते हैं। सपोज देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 लिख दिया, ये हमको 6 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी हाइट और ब्रेथ भी 1 1 है, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6। नेक्स्ट है ये हमारा थर्ड, इसको आप काउंट कीजिए, तो ये 4 4 जा 16 16 + 8 + 8 ये हमारे यहाँ पर 32 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी 6 जो है वो लेंथ है, 3 सेंटीमीटर 3 क्यू, ये जो है हमारे ब्रेथ के हैं 3 यूनिट्स और 3 क्यूब यूनिट्स जो है वही हमारे हाइट के हैं। तो 6 3 जाए 18, हमने हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 54 यूनिट क्यूब। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट।
Now students, write down question number 2. Question number 2 is find the volume of a box. हमें इस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है. We draw this box. आपको भी ये बॉक्स ड्रॉ करना है. You have to draw this box in your notebook. फिर आप देखिए यहाँ पर बेटे, ये इसकी जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं. 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. तो आपको पता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब क्या है हमारी लेंथ 4, ब्रेथ 3, हाइट कितनी है 4. सो 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48. आंसर हमारा क्या आया 48. और हम हमेशा वॉल्यूम का जब आंसर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं. 48 क्यूबिक सेंटीमीटर या ऐसे लिख सकते हैं, और 48 क्यूबिक सेंटीमीटर. सेंटीमीटर की प्लेस क्यूबिक के ऊपर जो है हम 3 लिख सकते हैं और के बाद. 48 क्यूबिक सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर और क्यूबिक का साइन ऊपर लगा देंगे. क्यूबिक मींस 3. 3 का मतलब क्या होता है, बिकॉज देयर आर 3 डायमेंशन इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं, इसलिए हम यहां पर 3 लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो 48 क्यूबिक सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 48 क्यूबिक सेंटीमीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ दिस फिगर वेरी नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक एंड राइट द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स. हमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है विद, अगर उसमें उस ए का आपको आंसर बताना है पहले, 36 यूनिट क्यूब्स से फिल्ड है एक, और बी वाला जो बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो 64 यूनिट क्यूब्स से फिल्ड है. तो यहाँ पर जितनी यूनिट क्यूब्स से फिल्ड है वही उतने ही क्यूबिक सेंटीमीटर बेटे हमारा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट ए रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने यूनिट क्यूब्स हैं, 36 यूनिट क्यूब्स. तो ए का आंसर हमारा आ जाएगा 36 क्यूबिक सेंटीमीटर. और बी वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें 64 यूनिट क्यूब्स हैं, तो 64 यूनिट क्यूब्स मींस 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो जितने यूनिट क्यूब्स हैं वही हमारे क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन आंसर नंबर 3. ए का आंसर है 36 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द आंसर ऑफ बी इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, कट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे, बिकॉज इस ये क्वेश्चन ही जो इस तरह से नहीं है कि जिसका आपको आंसर मैं बता सकूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे. 5 में आपका क्या है, इफ 25 यूनिट क्यूब्स आर अरेंज्ड इन वन रो, ये वन रो में 25 यूनिट क्यूब्स जो है वो अरेंज हैं, देन हाउ लॉन्ग इज द लाइन ऑफ क्यूब्स. तो लाइन जो क्यूब्स की जो लाइन है वो कितनी लंबी है, तो जितने आपके क्यूब्स है उतने ही आपकी लाइन की लेंथ होगी. देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये मैच बॉक्स है, इनका वॉल्यूम 18 क्यूबिक सेंटीमीटर है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्सेस, जिस अरेंजमेंट से ये मैच बॉक्सेस रखे हैं, इस अरेंजमेंट से आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके वन मैच बॉक्स की जो है वॉल्यूम बता रखा है 18 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अब हमें बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट से ये मैच बॉक्सेस लगी हैं इसका वॉल्यूम क्या है. आप देखिए अरेंजमेंट में बेटे, लेंथ में देखिए 7 मैच बॉक्सेस है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो इसकी लेंथ हो गई. अब इसकी ब्रेथ देखिए, ब्रेथ जो है वो देखिए 1 एंड 2, तो 2
टू जो क्यूबिक सेंटीमीटर क्यू टू सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। अब इसकी हाइट देखिए कितनी रो है, 1 2 3 4, तो 4 इसकी हाइट हो गई। तो जब हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो आप लिखेंगे 7 × 4 × 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 56, 56 आपका आंसर आ जाएगा। जब 56 हमारा आंसर आएगा, या तो आप 56 क्यूबिक सेंटीमीटर 56 लिख सकते हैं आंसर, और अगर इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 56 को आप इस 18 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दैट आंसर इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सम क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सो दिस इज योर होमवर्क। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Thank you and have a nice day.